तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और कैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे अपना ब्रांड वगैरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो ब्रांड प्रोटेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडमार्क की जो बात कर रहा हूँ, ये चाहे आप सोल प्रोप्राइटर की तरह काम कर रहे हैं तब भी जरूरी है, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म की तरह काम करें तब भी जरूरी है, चाहे LLP की तरह करें तब भी जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड की तरह करें तब भी जरूरी है। तो किसी भी एंटिटी टाइप को एंटिटी टाइप बोला जाता है। अगर आप किसी भी एंटिटी टाइप में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। होने का मतलब ट्रेडमार्क अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली ट्रेडमार्क फर्स्ट गो में नहीं मिलता, बहुत फाइट करनी पड़ती है ट्रेडमार्क के लिए, बट 3 से 6 महीने का इसका पीरियड होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रीअप्लाई करें, अगर आपका जेन्युइन केस होगा तो जरूर आपका अप्रूव। राइट, अब बात करते हैं एंटिटी टाइप पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप जो है ना वो 3 तरह से बनती है इंडिया। एक पार्टनरशिप होती है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, जिसमें एक एग्रीमेंट बनता है वो नोटराइज होता है, वो एग्रीमेंट नोटराइज होने के बाद फाइल होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर अप्लाइंग दी पैन कार्ड। एक ये एंटिटी टाइप है। दूसरा एंटिटी टाइप है पार्टनरशिप फॉर्म, नोटराइज होगा, स्टैंप होगा और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस में वो रजिस्टर भी होगा, तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री होगी, इसको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। तीसरा जो एंटिटी टाइप है LLP है, उसके केस में पहले नेम अप्लाई होगा MCA पे। नेम अप्रूव हो के आएगा तो इनकॉर्पोरेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। इनकॉर्पोरेशन जब अप्रूव हो जाएगा तो एक एग्रीमेंट बनेगा LLP का और LLP का एग्रीमेंट फाइल होगा। तीनों ही केस में कुछ चीजें कॉमन है बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि तीनों केसेस में आपका डेफिनेटली एक ट्रेड नेम तो होगा जिस नाम से आप पार्टनरशिप फॉर्म खोलेंगे। हमने ट्रेड नेम की बात अभी पिछली वीडियो में भी की थी, तो वो जरूर आप चूज कर लें। अगेन उस ट्रेड नेम के लिए आप ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई करें, अगर वो नेम अवेलेबल है तभी ही उस ट्रेड नेम को आप लें, अगर किसी और का ऑलरेडी है तो उसको ना लें, जैसे मैंने पहले भी बताया। उसके बाद क्योंकि करंट अकाउंट तो आपको पार्टनरशिप फर्म का भी ओपन करना है, तो करंट अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का ओपन करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो पार्टनरशिप अगर अनरजिस्टर्ड वाली है तो उसका पैन कार्ड और एग्रीमेंट लग जाएगा। और किसी किसी केस में आपसे GST मांगा जाएगा, जरूरी नहीं है GST आपके एप्लीकेबल हो, जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप वाली वीडियो में आपको बताया। नहीं देखा तो आप आइकन पे जाके एक बार पिछली वीडियो को जरूर चेक कर लें। आप उसको चेक करने के बाद ही अपने बैंकर से बात करें और उनको बोले कि हम पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर एप्लीकेबल है मैंडेटरी है तो जरूर आप अप्लाई करें। अब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के केस में भी लगभग यही डॉक्यूमेंटेशन लगनी है, यही सारी फॉर्मेलिटीज है। LLP के केस में मैंने बता दिया, प्रोसेस एक और भी दे दिया कि नाम अप्लाई होगा, फिर इनकॉर्पोरेशन अप्लाई होगा, फिर LLP एग्रीमेंट फाइल होगा। बट कॉमन क्या है तीनों में? ट्रेड नेम वाली चीज, करंट अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड वाली चीज और ये सब जो कॉमन चीज। लाइबिलिटी की बात करें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है। आप और आपके बिजनेस में कॉर्पोरेट वील होती है। कॉर्पोरेट वील एक टर्म होती है। क्या टर्म होती है? बेसिकली आप और आपके बिजनेस के बीच में एक पर्दा है। आप अलग एंटिटी है, बिजनेस अलग एंटिटी है। कोई भी कंपनी की लाइबिलिटी होगी तो वो कंपनी की होगी, आपकी पर्सनल एसेट से कुछ नहीं लिया जाएगा। जबकि पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड वाली या सोल प्रोप्रेटरशिप फर्म, इनके केस में क्या होता है, आप खुद की जेब से आपको लाइबिलिटी बियर करनी पड़ती है और पे करनी पड़ती है अगर आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या फिर आपकी सोल प्रोप्रेटरशिप ने कुछ बखेड़ा खड़ा किया है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है क्लाइंट के लिए। मैंने बहुत ही अपनी फर्स्ट इनिशियल वीडियो में आर्किटेक्चर फर्म का एग्जाम्पल दिया था, गलत नक्शा पास हो गया, उसके बाद तोड़फोड़ हो रही है। तो आप आर्किटेक्ट को ब्लेम और आर्किटेक्ट पे क्लेम आप फाइल कर सकते हैं अगर आर्किटेक्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा था, वरना अगर आपने फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो आप फर्म पे जो है अपना दावा ठोकेंगे और फर्म से पैसा मांग, तो ये फर्क हो जाता है। तो अगर फर्म है, जैसे मान लीजिए किसी की आर्किटेक्चर आपने कंपनी खोली है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोली है, तो आपकी LLP या कंपनी लायबल है, आप खुद इंडिविजुअली लायबल नहीं है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। नाउ दिस इज द मेजर डिफरेंस कि जो लायबिलिटी है वो LLP के केस में लिमिटेड है, जबकि दोनों रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के केस में ये अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कि पार्टनर्स को अपनी जेब से देना पड़ता है। और दूसरी चीज, अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कुछ गड़बड़ की, उस पार्टनर की गड़बड़ की भरपाई भी जो बचे हुए पार्टनर थे उनको करनी पड़ती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा चूज करते हुए एंटिटी टाइप। अब टैक्स की बात करें तो पार्टनरशिप के केस में GST मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं GST मैंडेटरी है, IC भी मैंडेटरी है, IUT भी अप्लाई करना चाहिए।
अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ई कॉमर्स से सेल नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ई कॉमर्स से सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो D1 पे ही GST लेना जरूरी है। अगर आप कोई गुड्स में डील कर रहे हैं और ऐसी स्टेट में है जहाँ 40 लाख तक GST की रिक्वायरमेंट नहीं है तो GST मत लो। कुछ ऐसे स्टेट में है जहाँ 20 लाख तक GST की रिक्वायरमेंट नहीं है तो GST मत लें, बट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के केस में GST लें। ये तीनों केस में ही एप्लीकेबल है, जबकि एंटिटी टाइप से इसका कोई फर्क नहीं है, चाहे आप प्रोप्राइटर हैं चाहे पार्टनरशिप है कोई भी तरह की, तीनों तरह की या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, GST की जो इम्प्लीकेशन वो सेम है। तो आगे मैं इसके बारे में अब आपको मतलब क्योंकि मैंने क्लैरिटी दे दी है तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके बारे में और क्लैरिटी चाहिए होगी। मेन चीज जो हम मुद्दे की बात करें तो इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स में पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड या LLP के केस में 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेक्टर जो भी एप्लीकेबल है वो टैक्स लगता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में स्लैब के हिसाब से लगता है। अब स्लैब ओल्ड या न्यू जो भी होगा, ओल्ड न्यू स्लैब क्या है वो हम फिर किसी वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपके इंडिविजुअल स्लैब के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है, जबकि पार्टनरशिप के केस में अगर आपने 10,000 रुपए भी कमाए तो फ्लैट 10,000 प्रॉफिट, बेसिकली कमाई नहीं प्रॉफिट, रेवेन्यू पे टैक्स नहीं लगेगा कि नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, और वो नेट प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो 30% के हिसाब से लगेगा, तो 30% पे टैक्स। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये 25% है, और कुछ ऐसे एग्जेम्पशन प्राइवेट लिमिटेड को मिले हैं जिसमें अगर नया यूनिट लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो वहां पर 15% भी है, बट उसमें कुछ और कंडीशन भी हैं, कुछ और डिडक्शन भी हैं जो वो नहीं क्लेम कर पाएंगे, तो वो हम पार्टनरशिप सॉरी वो हम प्राइवेट लिमिटेड वाला जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम उसके बारे में बात करें। तो होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में, पार्टनरशिप की इम्प्लीकेशंस के बारे में टैक्स की, और थोड़ा आपको एक अवेयरनेस जो हमारा मकसद है आपको देना। अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर जरूर से आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम वीडियो सुविधा एंड माइक बटेल।